गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। जैसा कि कल हमने आपको ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 7.4 की प्रॉब्लम नंबर 1 बताया था, आज हम 7.4 की प्रॉब्लम नंबर 2 में आ जाएंगे। इन फिगर 7.48 साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। आल्सो एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। शो डैट AC इज ग्रेटर देन AB। देखिए AB को P तक प्रोड्यूस किया गया और AC को Q तक प्रोड्यूस किया गया और एंगल PBC इज लेस देन एंगल QBC। QCB यहाँ पे हम QCB लिख देंगे। अच्छा अब हम क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे साइन। माइनस एंगल PBC इज ग्रेटर देन एंगल QCB। जब निगेटिव वैल्यू होगी तो बड़ा नंबर छोटा हो जाएगा और छोटा बड़ा होता है। अच्छा दोनों तरफ 180 ऐड कर देंगे। 180 माइनस एंगल PBC इज ग्रेटर देन 180 माइनस एंगल QBC। देखिए 180 माइनस एंगल PBC की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कि एंगल ABC प्लस एंगल PBC इज इक्वल टू 180 LP। ये आप जान बन रहा है दोनों एंगलों का सम 180 है। एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल PBC, यानी 180 माइनस एंगल PBC के स्पेस में मैं एंगल ABC लिख सकता हूँ, इज ग्रेटर देन 180 माइनस एंगल QCB। यहाँ पे हम देखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल QCB इज इक्वल टू 180। एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल QCB LP होने की वजह से 180 माइनस एंगल QCB को हम लिख सकते हैं एंगल ACB। अच्छा अब एंगल ABC के अपोजिट साइड AC इज ग्रेटर देन AB। क्यों? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। ये थ्योरम पूरे एक्सरसाइज में वो होगी, अप्लाइड होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएंगे। इन फिगर 7.49 एंगल B इज लेस देन एंगल A एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D। शो दैट AD इज लेस देन BC। ये आपका फिगर है, दो ट्रायंगल हैं। गिवन दैट इन ट्रायंगल AOB एंगल B इज लेस देन एंगल A, एंगल B के सामने की साइड OA इज लेस देन OB, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल्स इज स्मॉलर या लार्जर एंगल इज लार्जर, ग्रेटर भी हो सकती है। अच्छा फिर इसी तरह से हम इन ट्रायंगल COD में आ जाएंगे। एंगल C इज ग्रेटर लेस देन एंगल D, CD से कम है, छोटा है। एंगल C के सामने की साइड OD, OD इज स्मॉलर देन OC, D के सामने की साइड OC होगी। ये आपकी पहली इक्वेशन बनी, ये दूसरी बनी। भाई BA से कम था तो OA OB से कम हो गया, OA से OB छोटा हो गया, BA से छोटा था तो OA OB से छोटा हो गया, CD से छोटा था तो OD OC से छोटा हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। OA प्लस OC इज लेस देन OB प्लस OC। OA और OD ऐड करने में बनेगा AD इज लेस देन BC। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसमें AB सबसे छोटी साइड है और CD सबसे बड़ी साइड है। शो दैट A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। देखिए ये आपका फिगर है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले A को हम C से ज्वाइन कर देंगे, AC को ज्वाइन कर देंगे, ये दो ट्रायंगल बनेगा ABC ACD। पहले ABC में आएंगे इन ट्रायंगल ABC, BC इज ग्रेटर देन AB। क्यों BC ग्रेटर है? क्योंकि AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, AB सबसे छोटी साइड है। BC के सामने का एंगल एंगल BAC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। अच्छा तो BC जो है AB से ग्रेटर है। क्यों BC AB से ग्रेटर है? क्योंकि AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, AP सबसे छोटी साइड है, तो AB से सारी साइडें बड़ी होंगी, तो BC बड़ी होगी AB से,
अब बीसी के सामने का एंगल बीएसी, एबी के सामने का एंगल एसीबी, यानी बीएसी इज ग्रेटर देन एंगल एसीबी, ये आपकी पहली इक्वेशन। इसी तरह दूसरे वाले हम ट्रेंगल में आ जाएंगे, इन ट्रेंगल एसीडी सीडी इज ग्रेटर देन एडी, क्यों? क्योंकि सीडी इज द लॉन्गेस्ट साइड, सीडी सबसे बड़ी साइड है, तो सीडी के सामने का एंगल सीडी इज ग्रेटर देन एडी के सामने का एंगल एसीडी, यानी सीएडी इज ग्रेटर देन एंगल एसीडी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। एड फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल बीएसी प्लस एंगल सीएडी इज ग्रेटर देन एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीडी, बीएसी और सीएडी ऐड करने पे बीएडी बनेगा और एसीबी एसीडी ऐड करने पे बीसीडी बनेगा, तो ये निकलेगा कि एंगल बीएडी इज ग्रेटर देन एंगल बीसीडी, यानी एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये आपकी पहली प्रूविंग होगी। दूसरे में क्या करेंगे, ज्वाइन बीडी, बीडी को जब ज्वाइन करेंगे तो ए बी डी और बी सी डी दो ट्रेंगल बनेंगे, इन ट्रेंगल ए बी डी, ए डी इज ग्रेटर देन ए बी, ए डी ए बी से बड़ा है, क्यों बड़ा है? क्योंकि ए बी सबसे छोटी साइड है, ए डी अगर ए डी ए बी से बड़ा है तो एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी बी, ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। फिर इन ट्रेंगल बी सी डी, दूसरे वाले ट्रेंगल में हम आ जाएंगे, सी डी इज ग्रेटर देन बी सी, सी डी जो है बी सी से बड़ा है, क्यों बड़ी? क्योंकि सी डी को सबसे लॉन्गेस्ट साइड बताएगी, सबसे बड़ी साइड सी डी, सी डी के सामने का एंगल एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। एड थर्ड एंड फोर्थ, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी, ए बी डी सी बी डी ऐड करने पे ए बी सी, ए डी बी ए बी डी सी ऐड करने पे ए डी सी, यानी एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी सी, यानी एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी,